मुझे बातें सुनाई दी कि ये पागल हो गया, ये पागलों जैसी चीज़ें करने लगा है, ये बड़ा सा कैप पहन के चलता है, ठीक है इसके ड्रेस देखो बहुत ही शॉर्ट है, अजीब से जूते पहनता है, ये गंदे कपड़े पहनता है। अच्छा, मतलब मुझे उन लोगों ने इस तरह देखा कि ये डिफरेंट सा हो गया है और ये थोड़ा मिसफिट जैसा लगने लगा है। मेरा नाम सलामत अली है, मैं हुंजा से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये मेरा गांव है। गिलगित से मैंने तालीम हासिल की अंडर ग्रेजुएट, मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ा वहाँ से, फिर उसके बाद मुझे कुछ स्कॉलरशिप्स मिले, मैं रशिया गया, रशिया में मैंने मास्टर्स की मॉस्को में मास्टर्स करने के बाद फिर मैं यूएस गया, मैंने यूएस में मास्टर्स की। वहाँ की जो लाइफ स्टाइल थी वो उसने मुझे इतना बहुत अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि आप वहीं पर हर चीज़ आपके लिए तैयार होती है, आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करते हैं। यहाँ पे जब मैं आया फिर मैंने सोचा मैं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँ और लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो उस लाइफस्टाइल से बहुत ही अच्छा है। मैं जो चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ लोग नेचर को एंजॉय करें, देखें, वो एक सस्टेनेबल लाइफ गुजारें और जिसमें उनको मज़ा आएगा, और प्लस आप किसी दूसरे जगह में नहीं जाते हो, कोई माइग्रेट नहीं करते हो। यहाँ पे मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और जो चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जो वीडियोस में वो दिखा रहा हूँ, उसमें आपको नज़र आएगा एक हुंजा का पुराना हिस्ट्री, जहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशंस थे और ये बहुत ही कट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मैंने उसी हिस्ट्री को लेते हुए मैंने कोशिश ये की है कि मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँ और लोगों को दिखाऊँ, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। मुझे आइडियाज़ यहीं से ही मिलते हैं, आप किसी अपने बाग में जाते हो या कोई आप किसी घास को देखते हो या दरख्त को देखते हो, फिर वहीं से मुझे आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं उसके पीछे एक स्टोरी बनाऊं और जो कि बहुत ही लोकल हो और सिंपल हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो लोकली हम कहते हैं उसको फेल्स, तो ऑटम ओलिव बेरीज, वो हमारे पुराने ज़माने में जो यहाँ पे जो लोकल में फूड इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो लोग गंदम के साथ उसको क्रश करके मिक्स करके फिर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करते थे एज़ अ फूड, ठीक, रोटी के साथ। तो मैंने उस चीज़ को डॉक्यूमेंट इसलिए किए, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, एक तो ये कि जो आपका जो फेल्स है वो किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करते थे, हाँ, और दूसरा ये है कि उसको अपने कंधे पे चक्की तक ले जाने के लिए आप पूरा आपका एक एक्सरसाइज होता था, और उस पर उसको जो पाली के चक्की पे आप उसको क्रश करके उसका जो फ्लोर बनाते हैं उस पर ये होता है कि आप किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मशीन की ज़रूरत, वो पानी से ही चलता है और पानी के चक्की पे आपने उसको क्रश किया है। मेरे जो क्लोज रिश्तेदार होते थे उन्होंने काफ़ी मुझसे पूछा है कि ये आप क्या कर रहे हो, ये अजीब सा कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, कुछ ढंग का सा काम करो। खैर, मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया। अभी लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से मुझे देखने लगे हैं, उनको लग रहा है कि ये कुछ इम्पेक्ट हो रहा है इससे, और उससे मेरे लिए भी अच्छा फीडबैक मिलने लगा है।